गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा अब हम पढ़ेंगे मेथड्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। वी विल स्टडी अबाउट मेथड्स फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिक मास कि एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज करेंगे। ओके तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा डुलोंग एंड पेटिटी ला। डुलोंग एंड पेटिटीज ला, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस ला द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड स्पेसिफिक हीट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4, ठीक है बेटा। तो डुलोंग एंड पेटिटी ला क्या कहता है, ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4। तो यहां से बेटा एटॉमिक मास क्या आएगा हमारे पास, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। ओके तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, उसका एटॉमिक मास, जो इक्विवेलेंट मास था एलिमेंट का, वो आप कैसे डिटरमाइन कर लोगे। अगर हमें एटॉमिक मास पता चल गया तो इक्विवेलेंट मास भी कैसे निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ओके तो डुलोंग एंड पेटिटी ला क्या कहता है, इट इज यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। ओके तो अकॉर्डिंग टू दिस ला द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4। ओके देखो बेटा इस पे न्यूमेरिकल करवाती हूं मैं तुम्हें। एक जैसे कहा गया एक क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट, एक क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 49.5% क्लोरीन। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द एलिमेंट इज 0.056। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास वैलेंसी एंड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है बेटा। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमसे कहा गया एक क्लोराइड है एलिमेंट का जिसके अंदर 49.5% क्लोरीन है। ओके तो हमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ क्लोरीन इन मेटल क्लोराइड। ओके हमें ये कहा गया है मेटल क्लोराइड के अंदर क्लोरीन कितना है, 49.5%। ओके तो बेटा यहां देखो तो मास ऑफ मेटल कितना होगा बेटा तो देखो बेटा एक मिनट सॉरी भाई हम क्या कहेंगे मास ऑफ मेटल क्लोराइड इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, मास ऑफ मेटल प्लस मास ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ मेटल प्लस मास ऑफ क्लोरीन, यस और नो बेटा। तो यहां से देखो मास ऑफ मेटल क्लोराइड कितना मानेंगे, 100। मास ऑफ मेटल हम निकालेंगे यहां से, मास ऑफ मेटल, और मास ऑफ क्लोरीन कितना है, 49.5%। तो यहां से
मास ऑफ मेटल कितना आ जाएगा 50.5। अब बेटा देखो तुम्हें मास ऑफ मेटल पता, मास ऑफ क्लोरीन पता, तो यहां से क्या निकाल लोगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। क्या निकाल लोगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। देखो इससे पहले मैंने तुम्हें क्या करवाया था, इससे पहले मैंने इक्विवेलेंट मास निकालना बताया था, तो उसमें हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट मेथड और क्लोराइड डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो क्लोराइड डिस्प्लेसमेंट मेथड में मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था क्या, मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू ई अपॉन 35.5। तो यहां से क्या निकाल लेंगे हम, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। क्या निकाल लेंगे बेटा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। यहां से हम निकाल लेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। देखो मास ऑफ मेटल कितना है हमारे पास, मेटल का मास है 50.5 और मास ऑफ क्लोरीन कितना था 49.5 ई अपॉन 35.5। तो यहां से क्या निकालेंगे, ई क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्या आएगा, 50.5 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाय 49.5। तो यहां से इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, 36.21। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। ओके अभी हमें क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है और वैलेंसी, यस और नो। अब बेटा एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करोगे, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास यू विल यूज डुलोंग पेटाइटी लॉ, यस और नो। क्या था वो था एटॉमिक मास इंटू स्पेसिफिक हीट, एटॉमिक मास इंटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4। ओके तो यहां पे हमें स्पेसिफिक हीट दे रखी है, तो एटॉमिक मास क्या आएगा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, कितनी थी 0.056। ओके तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या आया 114.3। एटॉमिक मास ऑफ मेटल एलिमेंट निकाल लिया, और अभी हमने क्या निकाला था बेटा, इक्विवेलेंट मास भी निकाला था। इक्विवेलेंट मास कितना था हमारा, इक्विवेलेंट मास हमारा आया था बेटा 36.21। ओके अब हमें फॉर्मूला पता है बेटा क्या, जो इक्विवेलेंट मास होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, यस और नो। तो एटॉमिक मास कितना है हमारा, एटॉमिक मास है 114.3, और यहां से क्या निकालेंगे वैलेंसी, तो इक्विवेलेंट मास 36.21। तो यहां से सोल्व करेंगे बेटा, तो वैलेंसी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3। वैलेंसी कितनी आ जाएगी हमारी, 3। ओके क्लियर हुआ, तो यहां देखो बेटा हमने तीन फॉर्मूले यूज हुए। सबसे पहले तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला यूज हुआ, क्या फॉर्मूला, कि भाई अगर हमारे पास मास ऑफ मेटल दिया हुआ है, मास ऑफ क्लोरीन, तो इक्विवेलेंट मास निकाल, तो फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू ई अपॉन 35.5। फिर डुलोंग एंड पेटाइटी लॉ यूज हुआ, एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4। फिर हमने यूज किया इक्विवेलेंट मास क्या था, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, और वहां से हमने क्या निकाल दी, वैलेंसी। ओके सेकेंड मेथड पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, लॉ ऑफ आइसोमोर्फिज्म, लॉ ऑफ आइसोमोर्फिज्म। अब बात आती है बेटा आइसोमोर्फिज्म क्या होता है, आइसोमोर्फस सब्सटेंस क्या होंगे, सबसे पहले तो हमें यही पढ़ना पड़ेगा आइसोमोर्फिज्म सब्सटेंस क्या होंगे। दीज आर थोज सब्सटेंस विच हैव सेम शेप एंड साइज, जिनका शेप और साइज क्या हो, सेम। तो क्या कहेंगे, आइसोमोर्फिक सब्सटेंस फॉर्म्स क्रिस्टल हैविंग सेम शेप एंड साइज, सेम शेप एंड साइज, ठीक है। एंड आइसोमोर्फिज्म सब्सटेंस हैव सेम कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन भी क्या होगी बेटा, सेम होगी, ठीक है। जैसे कैसे, देखो मैंने तुम्हें कहा, मैंने कहा पोटेशियम सल्फेट K2SO4 एंड पोटेशियम क्रोमेट,
पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्रोमेट। देखो बेटा K2 K2 O4 O4, एक सल्फर एक क्रोमियम, सिर्फ एलिमेंट अलग है, सेम शेप आएगी, सेम साइज आएगा, सेम कंपोजिशन, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के आइसोमोर्फिज्म। ओके, दूसरा मैंने कहा तुमसे जिप्सम एंड इप्सम, क्या, सॉरी बेटा, जैसे मैंने तुम्हें कहा दूसरा एग्जांपल KClO4, पोटेशियम परक्लोरेट एंड KMnO4, ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमोर्फिज्म हो गए, क्या हो गए, आइसोमोर्फस ऑफ ईच अदर। ठीक है बेटा, कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने तुम्हें कहा ZnSO4.7H2O एंड FeSO4.7H2O, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमोर्फिज्म हो गए, आइसोमोर्फ हो गए। आइसोमोर्फ मींस बेटा दे हैव सेम कंपोजिशन एंड दे हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स अरेंज सिमिलरली। देखो यहाँ दो पोटेशियम, चार ऑक्सीजन, तो कैसे है, एक जैसे अरेंज्ड है, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोमोर्फ हो गए, क्या हो गए, आइसोमोर्फ हो गए। ठीक है, अब यहां देखो, देखो बेटा क्या होगा, जो मास होगा टू एलिमेंट का, जो कंबाइन करेगा बेटा दूसरे मास के साथ, तो वो उनके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। देखो कैसे, जैसे मैंने तुमसे कहा, हमने एग्जांपल लिया MgSO4 7H2O ZnSO4 7H2O, ये एक दूसरे के आइसोमोर्फ्स हैं। तो यहां से देखो बेटा, मास ऑफ टू एलिमेंट, एक और दो, जो कंबाइन करेगा सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट के, तो वो उसके किस में होगा, वो उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के रेशियो में होगा। जैसे देखो मैंने कहा, मास ऑफ वन एलिमेंट ए कंबाइन विद सर्टेन एलिमेंट, कोई एलिमेंट ए है जो कंबाइन करेगा दूसरे सर्टेन एलिमेंट के साथ, और मास ऑफ अदर एलिमेंट बी कंबाइंस विद मास ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, तो किसके इक्वल होगा बेटा, एटॉमिक मास ऑफ ए अपॉन एटॉमिक मास ऑफ बी। समझ आया, ये क्या बताया मैंने तुम्हें, देखो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमोर्फिज्म है, तो ये मानो मास ऑफ एलिमेंट ए जो कंबाइन हो रहा है इन सभी एलिमेंट्स के साथ, वो किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास ऑफ ए के। ऐसे ही मास ऑफ अदर एलिमेंट ये बी कंबाइंस विद मास ऑफ अदर एलिमेंट, वो किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास ऑफ बी के। और जो वैलेंसी होगी बेटा, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग आइसोमोर्फस आर सेम। वैलेंसी भी सेम, देखो यहां पे मैग्नीशियम की भी कितनी है, +2, यहां जिंक की भी +2, यस और नो। जैसे देखो दूसरा आइसोमोर्फस का एग्जांपल ले लो, KClO4 KMnO4, ओके, यहां जो मास होगा क्लोरीन का जो कंबाइन होगा दूसरे एलिमेंट को, किसकी को होगा बेटा, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे जो मास होगा मैग्नीज का विच कंबाइंस विद मास ऑफ अदर एलिमेंट, वो किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीज। तो यहाँ पे भी देखो दोनों की वैलेंसी सेम है, कितनी वैलेंसी आएगी यहाँ पे, +7, और यहाँ पे भी कितनी है बेटा, +7, तो वैलेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। चलो इस पे मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल करवाती हूँ बेटा, न्यूमेरिकल से तुम्हें क्लियर होगा कंसेप्ट। जैसे मैंने कहा पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या था, K2CrO4 is isomorphous to पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम क्रोमेट आइसोमोर्फस है पोटेशियम सल्फेट की, एंड इज फाउंड टू कंटेन 26.78% क्रोमियम। ओके, 26.78% क्रोमियम। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम, क्या निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम। ओके,
पोटेशियम का एटॉमिक मास तुम्हें मानना है 39.10। ठीक है, तो यहां बेटा दोनों का फॉर्मूला क्या है, आइसोमोर्फस एक दूसरे से। तो यहां मान लेंगे हम इफ एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम, इफ एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम, इसको मान लिया मैंने ए, क्या मान लिया ए मान लिया। तो यहां से हम क्या बेटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो यहां से हम इसका क्या लिखेंगे, फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास क्या आएगा, टू टाइम्स ऑफ मास ऑफ पोटेशियम प्लस ए प्लस फोर टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से हम इसको सोल्व कर ले सिंप्लीफाई, तो 142.2 प्लस ए। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ क्रोमियम। बेटा परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। तो इस एलिमेंट का मास कितना है क्रोमियम का ए, और टोटल कितना है बेटा 142.2 प्लस ए, और परसेंटेज है तो 100। और हमें क्वेश्चन में परसेंटेज दी थी क्रोमियम की कितनी है 26.78। तो यहां हम क्या लिखेंगे, 26.78 इज इक्वल टू ए अपॉन 142.2 प्लस ए इंटू 100। तो यहां ए के लिए सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 26.78 को मल्टीप्लाई करेंगे 142.2 प्लस ए इज इक्वल टू 100 ए। तो यहां से ए क्या आएगा बेटा हमारे पास, ए आएगा हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सोल्व करके ए निकालेंगे तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी 52.00। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम। पता चला कैसे किया, देखो बेटा क्वेश्चन में कह दिया कि ये आइसोमोर्फस और इसके अंदर इतनी क्रोमियम है। ठीक है, तो यहां से हमने फॉर्मूला लास्ट मास निकाल लिया पोटेशियम पर पोटेशियम क्रोमेट का। तो ये क्या आ गया 142.2 प्लस ए, इस ए की वैल्यू निकालनी है और हमें इसकी परसेंटेज दे दी। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो यहां से हमने ए की वैल्यू निकाल दी, जो ए आएगा वही क्या आएगा, एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम। क्लियर हुआ बेटा, ये क्या आ गया ए, एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम। थैंक यू।